Hi, today we're gonna discuss about right to equality under Indian Constitution Article 14. Equality before law or equal protection of law. Now, जो पहला fundamental right secure किया गया है Indian people द्वारा वो है right to equality जो कि contained है from Article 14 to 18 and ये कहा गया है कि भी जो आर्टिकल्स 14 टू 21 है दैट मस्ट बी रीडेड विद द प्रीएम्बल बिकॉज इट प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट कलर क्रीड रिलीजन और जेंडर. नाउ जो इक्वलिटी है ये सिर्फ मेरे एक फॉर्मल इक्वलिटी की बात नहीं करती है बिफोर द लॉ बट ये बात करती है रियल एंड परमानेंट इक्वलिटी के बारे में जो कि स्ट्राइक करती है इनइक्वालिटीज जो कि अराइज हो रही हैं अकाउंट ऑफ वेस सोशल एंड इकोनॉमिकल डिफरेंशिएशन जो कि अकाउंट कर रही है सोशल डिफरेंशिएट एंड इकोनॉमिक डिफरेंशिएट एंड दस कॉन्सिक्वेंटली एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के लिए. सो दे मस्ट नॉट बी ए डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट कलर क्रीड रिलीजन और जेंडर. ना अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण का ये था कि भी जो मेजोरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट थी इन्होंने हेल्ड किया कि भी जो राइट टू इक्वलिटी है ना ये कंफर्ट जो की गई आर्टिकल 14 के अंदर ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड ये एक एसेंशियल फीचर है डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ का. सो रूल ऑफ लॉ जो है ये ए वी डाइसी द्वारा गया गया है. इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड रूल ऑफ लॉ दे बोथ आर सेम कंसेप्ट बिकॉज रूल ऑफ लॉ ऑल्सो से दैट that there must not be any kind of a inequality. They all are equal, either he's a government official or a private official, or either he's a person or artificial or any kind of gender, creed, color, caste, wherever he belongs to. All are equal before the law, no one is above the law. Equality before law and equal protection of laws, Article 14, यही कहता है कि जो state है ये deny नहीं करेगा किसी person को equality before law और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. अब जो टर्म स्टेट आर्टिकल 14 के अंदर यूज करी गई है वो डिफाइन की गई है आर्टिकल 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि इंक्लूड करती है स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ स्टेट्स एंड लोकल अथॉरिटीज और कोई भी एजेंसीज जो कि गवर्नमेंट के अंदर है एंड who may claim the protection of Article 14. So it is for all the persons who are residing in the territory of India and either is a natural or artificial person or is a citizen or an alien, they all are entitled for the protection of this article. Now, the word person, ye restricted nahi hai male or female tak. Ye transgender ko bhi include karte hai. They are like not male or not. They are neither male or female. They are also entitled to equally in all those ways. So National Legal Service Authority versus Union of India ka ek case tha. Equality before law, and that is also known as rule of law. The theory is given by A.V. Dicey, and he mean to say that no man is above the law, and that every person ka koi bhi rank ho, koi bhi condition ho. वो सब्जेक्ट होगा टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एंड ही इज अवेलेबल टू द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी ट्रिब्यूनल्स. फॉर एग्जांपल केसी सरकार वर्सेस राजेश राजन तीन जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट की थी जिन्होंने कहा कि भी कोई पॉलिटिशियन इज नॉट अबव द लॉ. ये सफेद वर्दी वाले कानून से ऊपर नहीं है. अगर इनको कस्टडी में रखा जाएगा तो ये नॉर्मल प्रिजनर जैसे रहते हैं उन्हीं की तरह रहेंगे एंड दैट मींस एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन. इट आल्सो स्ट्राइक्स द आर्बिट्री पावर ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट भी द्वारा भी आर्बिट्री पावर यूज किया जा रहा है तो ये इसको भी स्ट्राइक करता है.
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये बेस है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 1 के ऊपर। और इसका कहने का मतलब ये है कि भी ऑल पर्सन्स, जितने भी पर्सन हैं, इन सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। और जो भी लॉ अप्लाई हो रहा है सभी के ऊपर सेम सिचुएशन में, वो वैसे ही अप्लाई होना चाहिए। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन कास्ट, क्रीड, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, यू नो। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ अगर दो बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं एडमिशन के लिए, और एक मुस्लिम है और एक हिंदू है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ड्रेसिंग सेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फेथ, द मुस्लिम गाय डज नॉट गेट एडमिशन इन अ स्कूल और अ कॉलेज। सो दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 1। नाउ इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, व्हाट इज द डिफरेंस इज देयर? सो जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये काइंड ऑफ अ नेगेटिव कंसेप्ट है जो कि इम्प्लाई करता है, कहता है कि भी एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज होना चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हम कोई स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। सभी इक्वल है बिफोर द लॉ, आइदर ही इज अ पॉलिटिशियन और हुएवर ही इज रिच क्लास ऑफ अ फैमिली, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। नाउ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, दिस इज एन पॉजिटिव ऑपरेशन, और ये इंश्योर करता है इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट टू ऑल इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, कि भी इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट हो, स्कूल, पुलिस स्टेशंस, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट जॉब्स, एनीवे, देयर मस्ट बी इक्वल ट्रीटमेंट इन ऑल इक्वल सर्कमस्टांसेस टू ऑल द पर्सन, व्हाट एवर द लॉ इज बीइंग अप्लाइड इन दैट agencies, in that institution, that must be similar to all. There must not be a change. There must not be a discrimination on the ground of color, creed, religion, sex, and you know these things which are given in equality before law. That is in Article 14. Srinivasa Theatre versus Government of Tamil Nadu. इसमें कोर्ट हेल्ड करती है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों का मीनिंग सेम नहीं है। दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब जो कोर्ट एक्सप्लेन करती है, कहती है कि जो टर्म लॉ इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर यूज करी गई है, ये सिर्फ जेनरिक एंड फिलोसफिकल सेंस के लिए यूज करी गई, और जो टर्म लॉज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के अंदर यूज करी गई है, वो सिर्फ डिनोट कर रही है किसी स्पेसिफिक लॉ को जो कि इन्फोर्स किया गया है। द कोर्ट लेड डाउन दैट ऑल्सो कि जो एक्सप्रेशन, अगर इसको हम पढ़ भी रहे हैं या इंटरप्रेट भी कर रहे हैं, तो हम इसे विद रिगार्ड टू द कंटेक्स्ट एंड स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे ऑफ इंडिया, एंड नॉट इन द लाइट ऑफ द इंटरप्रिटेशन जो कि प्लेस्ड ऑन देम इन द कंट्रीज ऑफ देयर ओरिजिन। किसी अदर कंट्री का अगर लॉ का हम रेफरेंस देते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि इनके देश में ऐसा हो, वो बेशक रिलेवेंट करती हो, पर हम जो इन एक्सप्रेशंस को पढ़ेंगे, उन्हें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट एंड स्कीम के अंदर पढ़ेंगे। एक्सेप्शन टू रूल ऑफ इक्वलिटी, जो रूल ऑफ इक्वलिटी है ये एब्सोल्यूट नहीं है, और वन एंड देर आर नंबर ऑफ एक्सेप्शन टू इट। अब इसकी कई सारी एक्सेप्शंस हैं, अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, ये इम्यून है फ्रॉम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑन देम, और आर्टिकल 361 जो कि इम्यून करती है प्रेजिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट को फ्रॉम द जुडिशन ऑफ द कोर्ट्स, एंड ऑल्सो पुलिस ऑफिसर, जजेस, दे ऑल्सो इंजॉय सम प्रोटेक्शन, एंड सम स्पेशल ग्रुप्स लाइक ट्रेड यूनियन, दे ऑल्सो हैव स्पेशल प्रिविलेज। जो ट्रेड यूनियंस हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, जजेस, गवर्नर, प्रेसिडेंट, दे ऑल आर इम्यून। सो दीज आर द एग्जाम्पल दैट रूल ऑफ इक्वालिटी इज नॉट एब्सोल्यूट। नाउ जो आर्टिकल 14 है, ये परमिट करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन को, सो ये एक एक्सेप्शन होगी इसकी, जो कि प्रोहिबिट करता है क्लास लेजिस्लेशन को। सो रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सकती है, पर क्लास लेजिस्लेशन नहीं। अब जो क्लासिफिकेशन, ये मेरे लिए एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के लिए होता है ऑफ थिंग्स इन टू द ग्रुप ऑफ क्लासेस। कोई भी मान लो कोई एक ग्रुप है, वो पीछे रह गया सोशली एंड इकोनॉमिकली, वो आगे नहीं आ सके, तो उनको बराबर लाने के लिए किसी भी तरह के हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन करने सकते हैं। वो क्लासिफिकेशन बस आर्बिट्रेरी, आर्टिफिशियल और इवेसिव नहीं होनी चाहिए, वो बस एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन होनी चाहिए।
प्रिंसिपल इन डिटरमाइनिंग द रीजनेबल क्लासिफिकेशन। सो ये जो प्रिंसिपल्स है, अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये रीजनेबल है। सो ये रामकृष्ण डालमिया वर्सेस जस्टिस एस आर तेंदुलकर में किया गया था, जो कि एक कमीशन अपॉइंट करी गई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जस्टिस आर एस आर तेंदुलकर थे जो कि चेयरमैन थे इस कमिटी के। अब जो ये कमीशन थी ये अपॉइंट करी गई थी अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952, जो कि इम्पावर करती है गवर्नमेंट को टू अपॉइंट एन कमीशन, कमीशन को अपॉइंट कर लेगी किसमें, टू इंक्वायर इनटू द डेफिनेट मैटर ऑफ द पब्लिक इंपोर्टेंस। जो भी पब्लिक इंपोर्टेंस के मैटर्स होंगे उसके अंदर जो सरकार है, जो गवर्नमेंट जो सरकार है वो एक कमीशन अपॉइंट कर सकती है। सो जो इसमें पिटिशनर था इसने चैलेंज किया कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द एक्ट को एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन एंड कंटेंडेड दैट, उसने कहा कि भी जो ये कमीशन है ना इंक्वायरी एक्ट 1952 के अंदर ये गेव वाइड एंड अनरेगुलेटेड डिस्क्रिशन टू द गवर्नमेंट, कि भी जो ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 है इसने वाइड पावर डिस्क्रिशन दे दी है, अनरेगुलेटेड डिस्क्रिशन दे दी है टू द गवर्नमेंट, विच कुड रिजल्ट इन टू द डिनायल ऑफ द इक्वालिटी, जो कि डिनाय कर सकता है इक्वालिटी के बेसिस को, रूल ऑफ इक्वालिटी को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन कास्ट सेक्स कलर दिस। सो जो सुप्रीम कोर्ट था इसने रिजेक्ट किया इस कंटेंशन को, रेज द पिटिशनर, जो भी कंटेंशन पिटिशनर द्वारा रेज करी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया और कहा कि भी जो ये डिस्क्रिशन है जो कंफर्म की गई है बाय द एक्ट वॉज अनगाइडेड, जो भी उसने कहा कि भी अनगाइडेड है, बिकॉज द एक्ट क्लियरली ले डाउन द पॉलिसी टू इंक्वायर इन टू द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस, क्योंकि जो एक्ट है इसने खुद ही एक पॉलिसी को लेट डाउन किया है जो लेजिस्लेचर है कि भी कोई भी मैटर्स अगर पब्लिक इंपोर्टेंस के होंगे तब इसमें गवर्नमेंट जो है वो एक कमीशन अपॉइंट कर सकती है टू द इंक्वायरी इनटू द मैटर। नाउ जो कोर्ट थी उसने अपहेल्ड ये भी किया कि भी जो एक्शन टेकन अगेंस्ट द पिटिशनर लेट डाउन दैट वाइड द आर्टिकल 14 फोरबिड क्लास लेजिस्लेचर, यहाँ पर ये बताया गया उसे भी कि जो आर्टिकल 14 है ये क्लास लेजिस्लेशन को फॉरबिड करती है बट ये फॉरबिड नहीं करती रीजनेबल क्लासिफिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ द लेजिस्लेशन। सो पब्लिक इंपॉर्टेंस के अंदर कोई भी हमको अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन करनी है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी कर सकती है। क्लास लेजिस्लेशन Article 14 also prohibits class legislation. That means differentiating between the same class of person. Now, in D.S. Nakra versus Union of India, जो Supreme Court था, इसने struck down किया एक pension rule था, जो कि violative था Article 14 के, और ये classify कर रहा था while giving the pension to the pensioners. You know, अब जो ये classification कर रहे थे, ये कर रहे थे कि भी जो लोग retire हुए हैं 31st March 1979 से पहले एंड और जो रिटायर हुए हैं ऑन 31st March 1979 ना, एक केस था ऐसे ही एयर इंडिया वर्सेस नागेश मिर्जा। यहाँ पर क्या था कि भी जो रेगुलेशन 46 थी एयर इंडिया की एंड इंडियन एयरलाइंस की रेगुलेशन ये प्रोवाइड करती थी, कोई भी अगर एयर होस्टेस है वो रिटायर हो जाएगी सर्विसेज में अटेनिंग द एज ऑफ 35 और ऑन मैरिज इफ इट टुक प्लेस विद इन द 4 years ऑफ द ज्वाइनिंग द सर्विसेज, अगर 4 साल के भीतर वो शादी कर लेती है, मतलब जब भी उसने ज्वाइन किया अपनी सर्विसेज को और सर्विसेज को ज्वाइन करने के विद इन द 4 years इफ शी अटेन द एज ऑफ 35 और इफ शी गेट मैरिड देन और इफ शी गेट प्रेग्नेंट देन शी हैव टू रिटायर टेक द रिटायरमेंट फ्रॉम द एयर एयरलाइंस और द एयर इंडिया। नाउ द सुप्रीम कोर्ट था जो इसने स्ट्रक डाउन किया इस रेगुलेशन को एंड प्रोवाइडिंग फॉर द रिटायरमेंट, जो कि रिटायरमेंट की बात कर रहे थे कि भी एक औरत को एट द एज ऑफ 35 शी मस्ट गेट रिटायरमेंट और ऑन द मैरिज और ऑन द प्रेगनेंसी सो शी मस्ट टेक रिटायरमेंट, इट वॉज नॉट ओनली कॉलस और क्रूल एक्ट बट एन ओपन इंसल्ट टू इंडियन वुमनहुड। दिस इज वॉट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, दिस इज हाउ सुप्रीम कोर्ट टेक केयर अबाउट द राइट्स ऑफ द पीपल, ही इज द गारंटर ऑफ द राइट्स, ओके, इट प्रोटेक्ट्स आवर राइट्स। नाउ This is what the video was for the rule of equality under Article 14. If you guys understood it or if you think I had made any mistake somewhere, please suggest me in the suggestion box, comment box, you can comment
about it, at what second, what mistake I have made. Thank you very much.